नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसईटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जनरल साइंस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपका सबसे पहला प्रश्न आज का VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है। बिल्कुल ठीक, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है, क्या आप जानते हैं दोस्तों? जी, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन जो है ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है, मेट्टू पलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर जो है भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है। इसकी स्पीड कितनी दोस्तों? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह चलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु मतलब पदार्थ में उसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। तो दोस्तों किसी वस्तु में ऐसा कौन सा पदार्थ जो है उपस्थित होना चाहिए जिसके कारण वह विद्युत का सुचालक बन जाता है? जी, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण कोई पदार्थ जो है विद्युत का सुचालक बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न, भूकंप वैज्ञानिक दोस्तों भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? जी दोस्तों, भूकंप वैज्ञानिक जो है भूकंप की संभावना का अनुमान ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, फॉल्ट या फिर विकार जोन जो है उसके आधार पर और क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पर उसकी कल्पना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जी, भोजन एक अजैविक पदार्थ है और यह कथन असत्य है क्योंकि यह जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा दिए गए विकल्पों में से कौन सी है? द कमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म्स ऑफ इसरो। बिल्कुल ठीक, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है, विचार करके बताएं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जी, ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का काफी अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुमान क्या कहलाता है? जी, वस्तु की परछाई से जब हम वस्तु की हाइट का ऊंचाई का अनुमान लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, एल नीनो किस महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? जी, एल नीनो जो है दोस्तों गर्म जलधारा की उत्पत्ति पेरू के तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है दोस्तों, और एल नीनो जो है जलधारा प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों जिस प्रकार गौरैया जो है दाना खाती है उसी प्रकार रेशम का कीड़ा जो है दिए गए विकल्पों में से किसे खाता है? जी, गौरैया का आहार दाना होता है, उसी प्रकार रेशम के कीड़े का आहार शहतूत होता है। ऑप्शन नंबर जी दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी मलबरी शहतूत हो जाएगा राइट ऑप्शन। जी दोस्तों, जिस प्रकार जल का संबंध है समुद्र से उसी प्रकार बर्फ का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प से होगा? जी, जिस प्रकार से समुद्र जल से भरा होता है उसी प्रकार हिमनद बर्फ से ढका होता है। ऑप्शन नंबर बी ग्लेशियर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इनर्शिया या जड़त्व का नियम दिए गए विकल्पों में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जी, आइजैक न्यूटन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों विचार करके बताएं कि लिक्विड से गैस की अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए दोस्तों, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर हम कंपेयर करें पृथ्वी के आकार को तो दिए गए ग्रहों में से
बिल्कुल ठीक, बृहस्पति ग्रह ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? जी दोस्तों, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का प्रयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है? P2O5 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? जी, भोजन में आहार नली में पहुंचाने की प्रक्रिया को दोस्तों अंतर्ग्रहण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन किसकी प्रक्रिया है? परमाणु विखंडन किसकी प्रक्रिया है? जी, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में एक भारी परमाणु टूटकर अपने उपखंड बनाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिक एक शब्द होता है, टॉक्सिक बिल्कुल ठीक, जहर का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए? हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? विचार करके बताएं दोस्तों, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता बिल्कुल ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को प्रदर्शित करती है बायोडायवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही विकल्प। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हुलुक गिवन नामक जानवर जो है वो कहां पाया जाता है? जी, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। IRS-1A भारत का क्या है? कौन सा उपग्रह है या फिर कौन सा उपग्रह था? जी दोस्तों, IRS जो 1A है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा शुरू किया गया पहला रिमोट सेंसिंग मिशन था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किसका उपयोग करती है? जी, फोटोवोल्टिक सेल्स का प्रयोग करती है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जी दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें जो है पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसमें जो है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन जो है इसमें नहीं होती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों दिए गए मेटल्स में से कौन? जी, सीसा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? जी, ऑप्शन नंबर बी मैसूर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों एपिडेमियोलॉजी क्या है? क्या आप जानते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में? जी, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रकार का अध्ययन जो है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें सेरिकल्चर तो इस शाखा के अंतर्गत जो है रेशम के कीड़े के पालन और उससे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों पिसीकल्चर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, और एपिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों मधुमक्खी के पालन का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों सेरिकल्चर यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी रेशम के कीड़ों के पालन और रेशम उत्पादन से संबंधित है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? विचार करके बताएं। जी, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया रिप्स इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या आप जानते हैं दी गई डिजीजेस में कौन जो है हार्ट डिजीज से संबंधित नहीं है?
जी एक गले से संबंधित बीमारी है, नाम है डिप्थीरिया। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, आईसीटी किसका संक्षिप्त रूप है? विचार करके बताएं दोस्तों आईसीटी की फुल फॉर्म दिए गए विकल्पों में से क्या है। जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय मतलब अल्केलाइन नहीं है? जी ऑप्शन नंबर डी सल्फर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? जी हमारा कंप्लीट पाचन तंत्र, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक 9 मीटर लंबा होता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न दोस्तों, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? जी अगर एक समान गति से लिफ्ट चल रही है तो वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भार नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कारण यह है त्वरण जो है समान होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? जी ऑप्शन नंबर बी सोनार इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। दोस्तों आमतौर पर वर्णांधता जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्या है? जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक अनुवांशिक प्रकृति का रोग है। अगला प्रश्न, इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड रेज जो है वो दिए गए विकल्पों में से क्या है? जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही हो जाएगा। इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है, तो दोस्तों इसे लॉन्च कब किया गया था? जी इसे वर्ष 2013 में, जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2013 में इसे लॉन्च किया गया था, जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। दोस्तों बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, विचार करके बताएं। जी बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया पोटेशियम नाइट्रेट बिल्कुल सही विकल्प है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का? KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है। दोस्तों मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, विचार करके बताएं दोस्तों। जी किसी को कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसमें दोस्तों लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण पाया जाता है। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सिचालक नहीं है, विचार करके बताएं दोस्तों। जी चीनी मिट्टी के बर्तन जो है दोस्तों हमारे सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न पसंद आए हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा तैयारी और जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSET की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।